मंगाने शुरू किए हैं। तो पहला सवाल लेते हैं जो हमारे पास आया है वीडियो के रूप में। राजीव जी नमस्कार। मेरा सवाल है, एक स्टॉक है उसका नाम है ह्यूबेक, HEUBACHIND, केमिकल कंपनी है। मार्केट कैप भी थोड़ा है इसका कम है और MNC कंपनी है, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। तो इसके बारे में अगर आप सोमेश जी से पूछ सकें, अगर उनको फंडामेंटल पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेक्निकल के हिसाब से इसको किस लेवल पर ख़रीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। धन्यवाद। जी, तो सवाल उनका है ह्यूबेक टॉलरेंस इंडिया के बारे में। MNC कंपनी है ये, इसका जिक्र उन्होंने किया, पूछ रहे हैं कि किस भाव पे खरीदना चाहिए। पहली चीज कि क्या ये पोर्टफोलियो ग्रेड शेयर आपको लगता है, जैसे ये रखें खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में? हाँ, तो पहले से एक रेडी रेकनर में तो ये कंपनी नहीं है, लेकिन अगर एक कर्सरी व्यू दिया जाए इसके फंडामेंटल्स पे, तो प्राइस अगेंस्ट ग्रोथ फिट तो नहीं बैठता है, प्राइस अगेंस्ट कंपनी वैल्यू भी फिट नहीं बैठता है। मैं फंडामेंटल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसकी प्राइस अगेंस्ट फंडामेंटल अगर मुझे पूछेंगे तो 443, कम से कम इसको यहाँ से 15-20% डिस्काउंट पे मिलना चाहिए तो फेवरेबल रहता है फंडामेंटली। ये चीज़, एक चीज़ समझेगी, फंडामेंटली मैं समझा रहा हूँ आपको क्या इसका वैल्यूएशन मुझे लगता है। लेकिन ये मोमेंटम में है, मोमेंटम यही कहता है कि 50 DMA के नीचे इसका जो राइज शुरू हुआ 300 पे, जो कि गया 540 तक, उसके अगेंस्ट का करेक्शन ट्रिगर्ड है और करेंटली ये 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया आपका डाउन। अपसाइड शॉर्ट कवरिंग में पॉसिबल है अप टिल 480 प्लस माइनस 557 रुपीज। तो फिलहाल आप इसका ट्रेंड एनालिसिस ये कर सकते हैं कि 430 to 480-485 के रेंज तक का ये रह सकता है। बाकी उसके बाद जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, इसमें ट्रेडिंग बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इन्वेस्टमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे कम से कम 15-20% का डिस्काउंट ठीक लगता है, तब जाके इसमें देख सकते हैं। होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। और इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि अब इसका जो 430 वाला जो लेवल है ना, ये हो गया जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस बार ये टूटेगा तो शायद आपका ये 416-405 ये सब सपोर्ट बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम ना करे। हो सकता है 200 DMA का रीटेस्ट शुरू हो, जब भी हो उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ट्रेंड फिलहाल अभी डाउन है, रेंज 430-485 का लगता है। फंडामेंटली मुझे लगता है बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। जी, पी वैल्यूएशन 80 के ऊपर अभी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत महंगा भाव है। और MNC कंपनी है तो सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए का एक छोटा सा मार्केट कैप क्यों है, ये भी अपने आप में ज़्यादा गहरे रिसर्च की बात इसमें लगती है, उसकी ज़रूरत लगती है। और यहाँ पे सुमेश जी आपके सामने चार्ट पे एक लकीर और दो कर्व, क्या तीसरा कर्व भी बनेगा या कुछ और कह रहे हैं आप इसमें? थर्ड वाला इसका जो राइट शोल्डर है ना, वो इसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। केमिकल में मुझे बहुत ज्यादा अभी भी स्ट्रेंथ तो नहीं दिखता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, उसके बेसिस पे इसका राइट शोल्डर बनेगा। लेकिन अभी तक बहुत ना, बहुत प्राइस ट्रेंड के हिसाब से ना बहुत डाउन साइड है ना बहुत अपसाइड है। 430 के पहले कोई डाउन साइड रीड नहीं कर सकते हैं, और 480-485 के ऊपर ही इसका फ्रेश अपसाइड रीड कर सकते हैं। जी, लेकिन इसमें एक और बात दिख रही है, पिछले कुछ तिमाहियों से, खास करके अगर आप देखें तो पिछले साल की जुलाई सितंबर तिमाही से, उस तिमाही में तो घाटा हुआ था 8 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके बाद से ये टर्न राउंड केस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसकी अगली तिमाही में 7 करोड़ का मुनाफा हुआ, उसके अगली तिमाही में 9 करोड़ का, और पिछली वाली तिमाही में 16 करोड़ रुपए का। क्या मार्केट इस चीज को प्रियम्प्ट कर रहा है कि शायद ये जो तिमाही नतीजे आएंगे इसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए और बेहतर मुनाफे के साथ आएंगे? नहीं, मार्केट प्रीएम्प्ट जरूर कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको इस स्टॉक की अर्निंग्स की प्लेसमेंट इंडस्ट्री सेक्टर टेलविंड के हिसाब से करनी पड़ेगी। सेक्टर में अभी कोई टेलविंड नहीं है, सेक्टर में बॉटमिंग आउट होने के चांसेस हैं, जो कि सभी बात कर रहे हैं।
लेकिन कोई टेलविंड की बात नहीं हो रही है। हेडविंड एंड होने की बात और टेलविंड शुरू होने की बात, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेडविंड एंड होने का मतलब कहीं बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए और टेलविंड अगर आने वाला हो तो प्राइस बढ़ना चाहिए। फिलहाल मैंने जैसा पहले भी कहा है, ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा कि कितना और वर्स हो सकता है केमिकल सेक्टर के लिए, और नहीं हुआ तब फिर शायद बॉटम फॉर्मेशन और प्राइस राइज इसमें जस्टिफाइड हो भी जाए। और विद इन केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल के अलावा बहुत ज्यादा अभी कहीं फोकस मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। एमएनसी है, ठीक बात है, लेकिन सेक्टर में काम रहेगा तो काम करे ना, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा रिजल्ट ही डिसाइड करेगा इसका। जी बिल्कुल, चलिए तो अब ये रही अभय त्रिपाठी जी आपके लिए पूरी एनालिसिस, उसके हिसाब से आप देखें तय करें क्या करना है आपको, क्योंकि हम लोग एक निर्णय तो आपको सुनाते नहीं है, आपके सामने सारी चीजें रख देते हैं, उसके बाद निर्णय आपको खुद ही करना होता है। इतनी चीजें हम आपके सामने रखते हैं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, इसमें आपको मदद मिले। इसके आगे आप अपनी खोजबीन खुद करें, खुद और भी रिसर्च करें, जरूरी हो तो प्रोफेशनल एडवाइस लें। ये सारी चीजें हम हर बार हर सवाल पर सभी दर्शकों को कहते हैं।